अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मार्केट रिकैप के लिए मैं हूं हशाम, और इस वीक का हम फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ऑल्दो लास्ट वीक इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही थी, मोर और लेस रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी थी, लेकिन इस वीक हमने देखा है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है। अप्रॉक्सीमेट 1000 पॉइंट्स हमने इस मार्केट में ऐड होते हुए देखे। मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो स्टिल एज लास्ट वीक सीमेंट्स और बैंक्स ही रहे हैं, लेकिन कुछ मेजर प्रोमिनेंट कंपनीज़ ने अपने बायबैक्स अनाउंस किए थे, जिसमें HBL है और पाइनियर सीमेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ऑयल एंड कोल काफ़ी नीचे आया था। लास्ट वीक ऑयल फिर स्टिल नीचे आया था, लेकिन कोल काफ़ी फ्लैटिश मूवमेंट पर रहा था। इस बार कोल भी नीचे आया है, जिसकी वजह से सीमेंट्स में खास तौर पर हमें अच्छा काम देखने को मिला है। अदर देन दैट, एज पर IMF उन्होंने दोबारा एक रिक्वेस्ट की है टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि पाकिस्तान एक 22% हाइक पे है जो हिस्टोरिक हाई ही है, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि स्टेट बैंक एक बहुत अग्रेसिव अप्रोच रखेगा इस बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से थोड़ा एक रिलीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल एक समझ लें रेंज बाउंड टू पॉजिटिव एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। लास्टली गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें ये मिली थी कि मोबाइल फ़ोन्स पे ड्यूटी जो अप्लाई की गई थी 1 मार्च 2023 को, वो उन्होंने अबॉलिश कर ली है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स हैं उन पे प्राइस कम होगी, प्लस जो PTA अप्रूवल की जो रेट्स हैं उसमें हमें थोड़ी बहुत कमी बेशी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो मार्केट हमें ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ऑल्दो रिजल्ट्स सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन रिजल्ट्स के कंटिन्यूएशन में हमें काफ़ी कंपनीज में अच्छा काम देखने को मिल सकता है।